आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है, माना कि पी वी क्यू पूर्णांक है एवं अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक बराबर जीरो के मूल है, जहां अल्फा बराबर नहीं है बीटा के। यदि एन बराबर जीरो एक दो ठीक इसी प्रकार के लिए माना अल्फा एन बराबर पी गुणा अल्फा की घात एन प्लस क्यू गुणा बीटा की घात एन है। यदि ए व बी परिमेय संख्याएं एवं ए प्लस बी अंडर रूट पांच बराबर जीरो है, तब ए बराबर जीरो बी बराबर जीरो है। यदि ए चार बराबर अट्ठाईस तब पी माइनस दो क्यू बराबर है। हमें यहाँ से यह बताना है किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमें समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक बराबर जीरो, और मूल यहाँ से दिए गए हमें अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस एक बराबर जीरो, तथा दूसरी समीकरण आ जाएगी बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस एक बराबर जीरो। तो यहाँ से यदि हम पहले समीकरण को सरल करते हैं तो अल्फा स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है अल्फा प्लस एक, ठीक इसी प्रकार दूसरे समीकरण को हल कर बीटा स्क्वायर बराबर बीटा प्लस एक लिखा जा सकता है। अब हमें प्रश्न में दिया गया है ए एन बराबर पी गुणा ए अल्फा की घात एन प्लस क्यू गुणा बीटा की घात एन, और दिया गया है हमारे पास ए व बी के मान हमारे पास यहाँ से। तो यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो ए जीरो बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एन बराबर जीरो रखेंगे पी गुणा अल्फा की घात जीरो एक आ जाएगा और बीटा की घात जीरो एक आ जाएगा, तो पी प्लस क्यू आ गया। ठीक इसी प्रकार यदि ए वन निकालते हैं ए वन आ जाएगा पी अल्फा प्लस क्यू बीटा आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि एन का मान एक रखेंगे। अब हम ए टू निकालेंगे, ए टू निकालेंगे तो हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं ए टू बराबर हमारे पास एन बराबर दो रखना होगा तो पी अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा स्क्वायर आएगा। अब यदि इसे यहाँ से सरल करते हैं तो यह हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है, इसे हम लिख सकते हैं पी अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है पी अल्फा प्लस एक यहाँ से, और यह आ जाएगा बीटा प्लस एक, तो क्यू बीटा प्लस एक, यह आ गया हमारे पास ए टू का मान। ठीक इसी प्रकार हम ए थ्री का मान निकालते हैं, ए थ्री बराबर क्या आ जाएगा पी अल्फा की घात तीन क्यू बीटा की घात तीन। इसे सरल करके हम लिख सकते हैं पी अल्फा गुणा अल्फा की घात दो को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस एक, प्लस क्यू बीटा की घात दो को लिखा जा सकता है बीटा प्लस एक गुणा बीटा आ गया यहाँ से। अब यदि हम इसे यहाँ से सरल करें तो ए थ्री हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है पी अल्फा प्लस एक क्यू बीटा प्लस एक, यह तो है हमारे पास ए टू के बराबर। तो पहले सरल कर लेते हैं, पी अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा आ जाएगा प्लस यहाँ से क्यू बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा आएगा, और यहाँ से पी अल्फा स्क्वायर और क्यू बीटा स्क्वायर तो है हमारे पास ए टू के बराबर। इन दोनों पदों को हमने ए टू लिख दिया, और पी अल्फा प्लस क्यू बीटा है हमारे पास ए वन के बराबर, तो ए टू प्लस ए वन आ गया। ठीक इसी प्रकार हम ए फोर निकालते हैं यहाँ से, ए फोर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से ए फोर बराबर, तो ए फोर हमारे पास आ जाएगा पी अल्फा की घात चार प्लस क्यू बीटा की घात चार। तो यदि इसे हम और सरल करते हैं तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है ए फोर बराबर ए थ्री प्लस ए टू के बराबर, क्योंकि ए थ्री हमारे पास आया ए टू प्लस ए वन के बराबर, तो ए फोर आ जाएगा ए थ्री प्लस ए टू के बराबर, तो ए थ्री प्लस ए टू के बराबर यदि आएगा ए थ्री आया हमारे पास ए टू प्लस ए वन के बराबर प्लस ए टू, तो यहाँ से सरल करके हम क्या लिख सकते हैं, और ए टू आया है हमारे पास ए वन प्लस ए जीरो के बराबर, तो यह मान हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यह मान हमारे पास यहाँ से बराबर आ जाएगा, और ए टू को हम लिख सकते हैं यहाँ से ए वन प्लस ए जीरो प्लस यहाँ से यह आया हमारे पास ए वन प्लस ए वन प्लस ए जीरो, तो यहाँ से तीन ए वन आ गया प्लस दो ए जीरो आ गया। अब ए वन और ए जीरो के मान हम यहाँ से रख देते हैं, तो ए वन और ए जीरो के मान रखने पर ए फोर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, तीन गुणा पी एल्फा प्लस क्यू बीटा प्लस दो गुणा पी प्लस क्यू के बराबर आएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हमें क्या दिया गया है, ए फोर बराबर दिया गया है अट्ठाईस के, तो अट्ठाईस बराबर यह इसके बराबर है। तो इससे पहले हम सरल कर लेते हैं, यह लिखा जा सकता है पी और क्यू के पदों को अलग अलग लिखेंगे। अब हमें यहाँ से दिया गया है अल्फा और बीटा जो है इस समीकरण के मूल है, अर्थात दोनों मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा हमारे पास यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के आती है, तो इस स्थिति में मूलों का योग आएगा माइनस बी बट्टे ए। तो यहाँ से मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, प्लस का एक, तो यहाँ से बीटा हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, एक माइनस अल्फा। तो यदि हम यहाँ से मान रखेंगे तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा, तीन गुणा पी अल्फा और बीटा के स्थान पर एक माइनस बीटा लिख, एक माइनस अल्फा लिख सकते हैं, प्लस दो पी प्लस दो क्यू।
क्यू। इसे सरल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3p अल्फा प्लस क्यू गुणा 3 भी आएगा साथ में, और माइनस यह है हमारे पास अल्फा, तो 3q अल्फा प्लस 2p प्लस 2q। तो यहाँ से पदों को अगर जोड़ देते हैं समान पदों को, तो यह आ जाएगा इस पद में अल्फा है, इस पद में अल्फा है, तो 3p माइनस 3q अल्फा प्लस यहाँ से आ जाएगा 2p प्लस 5q। अब दोनों पक्षों की तुलना कर लेते हैं, यह हमारे पास नियतांक है और p और q भी नियतांक है, तो यहाँ से मान आ जाएगा 2p प्लस 5q बराबर 28, और अल्फा का गुणांक इधर शून्य है, तो यह आ जाएगा 3p माइनस 3q बराबर 0। तो दोनों समय तो यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा 3p बराबर 3q अर्थात p बराबर q, और p बराबर यदि q आया तो p बराबर q यहाँ रखेंगे तो 2p प्लस 5p अर्थात 7p बराबर 28, तो p बराबर आ गया हमारे पास 4, p 4 आया तो हमारे पास q बराबर भी क्या आ जाएगा 4। अब हमें प्रश्न में क्या निकालना है, प्रश्न से हमें यहाँ से निकालना है p माइनस 2q, तो p माइनस 2p आ जाएगा अर्थात माइनस का p आ जाएगा, तो यहाँ से मान हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से मान हमारे पास आ जाएगा p माइनस 2p का माइनस का p अर्थात, तो p का मान है हमारे पास 4, तो माइनस p का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस का 4, तो हमारा विकल्प द एक सही विकल्प है। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।